गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारी मैथ्स की एक्टिविटी की क्लास है। देखो, हम अपनी एक्टिविटी क्लास में आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ की एक्टिविटी क्लास लेंगे, ठीक है। देखो, जो हमारा एलसीएम होता है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट नंबर। एलसीएम जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट नंबर, ठीक है ना। दैट मीन्स लीस्ट, सबसे जो छोटा नंबर होता है वो क्या है हमारा, लीस्ट काउंट नंबर। जैसे कि हम क्या लेते हैं, हमने क्या लिया 4, 16 एंड 12। हमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है 4 का। अब हम 4 के फैक्टर करेंगे, क्या आता है 1 × 2 × 3, ठीक है ना। 16 के करेंगे, 16 के क्या आता है, ये क्या आते हैं, इनके फैक्टर्स आते हैं। 12 के फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, इनमें एलसीएम देखना है, ठीक है ना। एलसीएम देखो, हम क्या देखेंगे, इसमें क्या है आपका 2, 2 एंड 2, ये कॉमन है। तो एक बार हम क्या लिख देते हैं, ये 2 × 2 × 2। अब बाद में क्या बचता है हमारे पास 4 एंड 3, हमने क्या लिखा 4 एंड 3, ये क्या आता है इसका एलसीएम आता है, ठीक है। ये क्या करते हैं इसमें एलसीएम, तो क्या करते हैं एलसीएम ऐसे निकालते हैं। तो आज हम एलसीएम को क्या करेंगे, एक एक्टिविटी से समझेंगे, ठीक है। आपको अब एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, द प्रोडक्ट दैट वी गेट व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर आर कॉल्ड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स वो नंबर होता है जो हमें क्या होता है, हमें मिलता है किसी नंबर में मल्टीप्लीकेशन करके बाय अनदर नंबर और कॉल्ड मल्टीपल्स। देखो, जैसे कि 4 × 1 में मल्टीप्लीकेशन की 1, 4 × 2 8, 4 × 3 12। तो ये किससे मल्टीपल होगी, सारे 4 के मल्टीपल्स, ठीक है ना। तो ये जितने 10 तक 20 तक जितने भी जाएंगे, ये सब किससे मल्टीपल होंगे, 4 के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी एक्टिविटी देखते हैं कि हमें आज करना क्या। आपको क्या करना है, 4 A4 शीट्स लेनी है, ठीक है। आपको ठीक वाइट लेनी है एंड एक कलरफुल लेनी है। आप कोई सी भी कलर ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, रेड ले सकते हो, आपकी चॉइस है। हमें क्या करना है, देखो 4 A4 शीट्स लेनी है, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, 3 तो वाइट लेनी है एंड एक कलरफुल लेनी है, ठीक है ना। आपकी चॉइस है, आपको कोई सी भी कलर की ले सकते हो, ठीक है। फिर उस तरीके से हर शीट को, आपकी 4 शीट्स हैं, आप 4 शीट को क्या करोगे, ऐसे टेबल बनाओगे 1 to 100 तक, उस पर काउंटिंग लिखोगे, ठीक है ना। अब काउंटिंग लिखने के बाद हमें देखो एलसीएम निकालना है किसका, 3, 8 एंड 12 का, ठीक है। हमें एलसीएम किसका निकालना है, 3 का, 8 का एंड 12 का, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल्स देखेंगे, ठीक। अब हमने क्या बना लिया, हमने एक वाइट शीट ली है, हमने क्या लिया, 4 A4 शीट्स हैं हमारी, और हमने 4 A4 शीट्स पे ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है ना, 1 to 100 काउंटिंग लिख ली 4 के 4 शीट्स पे। अब देखो, हम सबसे पहले हमें किसके निकालने एलसीएम, हमें किसका निकालना है, 3, 8 एंड 12, हमें तीनों का एलसीएम बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं सबको क्या कर लो, आप क्लर्ट कर लो। कितना होता है, इसको यहाँ से क्या करो, रिमूव कर लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या किया, इसको रिमूव किया। कितना आता है, फिर 6, 9 एंड इसमें कितना हो गया, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। इस तरीके से क्या करेंगे, हम 100 तक इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट एक और शीट से इसको रिमूव कर देंगे। देखो, जो
ये आपको रिमूव करना है, वो कैसे रिमूव करना है, आप क्या करोगे, इसको कट करोगे यहाँ से, ये पूरी शीट है, आप क्या करोगे इस पूरे बॉक्स को यहाँ से कट करोगे, ठीक है, इसी तरीके से इस पूरे बॉक्स को यहाँ से कट करोगे, पूरी शीट में जितने भी थ्री के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स बता दिए क्या हो गया, जिसमें भी आप क्या करोगे किसी नंबर की मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है ना, आप 100 तक थ्री की जिसमें भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या रहा, इधर देख सकते हो, थ्री मल्टीप्लीकेशन 1 3, थ्री मल्टीप्लीकेशन 2 6, हमने इसमें किया 3 में तो कितना हो गया 9, 4 में करते हैं 5 में करते हैं 15, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें क्या करते जाना है, मल्टीप्लीकेशन करते जाना है और हमें क्या मिल जाते हैं, हमारे मल्टीपल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, और हमें बातें निकालना है 100, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितने भी इस फर्स्ट शीट में थ्री के मल्टीपल में उनको क्या करना है, ऐसे बॉक्सेस को कट कर लेना है, ठीक है, अब वो कट करने के बाद आप क्या करोगे, दूसरी शीट लोगे, दूसरी शीट में भी क्या है 100 तक हमारी काउंटिंग है, जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में लिखा था, फिर क्या करेंगे हम, देखो हमारी दूसरी शीट लेंगे हम वाइट शीट ही लेंगे, ठीक है ना, A4 वाइट शीट ली हमने, उसमें भी क्या है 1 to 100 तक हमारी काउंटिंग है, अब हमें किसका निकालना है, हमने 3 के मल्टीपल्स की शीट हमने कंप्लीट कर ली, अब हमें किसकी करनी है 8 की, तो हम क्या करेंगे, देखो क्या होता है, 8 × 1 पहला मल्टीपल क्या होता है 8 की 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा 16, हम क्या करेंगे यहाँ से इस बॉक्स को कट करेंगे, यहाँ से इस बॉक्स को कट करेंगे, आप कितना आएगा 24 वाले बॉक्स को हम यहाँ से क्या करेंगे, आप कितना सा है 32, 84 सा कितने होते हैं 32, फिर 85 सा कितना होता है 40, तो हम 40 वाला बॉक्स रिमूव करेंगे, फिर कितना आएगा 48, तो इसी तरीके से क्या करेंगे हम 100 तक इसको जितने भी 8 के मल्टीपल्स आएंगे उन सबको क्या करेंगे रिमूव करेंगे, ठीक है ना, ये शीट होगी हमारी सेकेंड, ये कौन सी शीट है हमारी सेकेंड शीट है A4 शीट की, अब क्या करेंगे हम थर्ड शीट लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने टोटल शीट क्या ली थी 4 शीट ली थी, अब हमारा थर्ड देखो, अब हमने क्या ले लिया, हमने 8 की ले ली, अब हम किसका लेंगे 12 का लेंगे, हमें क्या करना है 12 का मल्टीपल्स, अब हमें 100 तक किसके मल्टीपल्स लेने हैं 12 के, देखो बहुत ईजी है, कितना होता है 12 की मतलब मल्टीप्लीकेशन करते हैं कितना आएगा 12, तो ये वाला बॉक्स रिमूव, फिर 12 की 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा 24, ये बॉक्स रिमूव, 12 से कितना होता है 36, तो आप हम क्या करेंगे 36 वाला बॉक्स यहाँ से कटर की हेल्प से, पेपर कटर आता है उसकी हेल्प से हम इस पूरे बॉक्स को रिमूव करेंगे, ठीक है ना, और ध्यान रखना जो हमारी 4 की 4 शीट पे है ना, सब पे सब शीट्स पे जो बॉक्स होगा वो इक्वली बनने चाहिए, ठीक है, कितना आ गया देखो, अब कितना आ गया 12 आ गया, अब कितना आएगा 48, अब आएगा 60, फिर कितना आता है 72, 84, 12 से कितने होते हैं 96, ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, इसके रिमूव हो गए, किसके फैक्टर्स, किसके मल्टीपल रिमूव हो गए, हमने 12 के फैक्टर क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, देखो क्या रिमूव किया है हमने यहाँ पे 12, ठीक है, 12 से कितने होते 24, तो मल्टीपल रिमूव हो गया 24, ठीक है, 12 से कितने होते 36, तो हमने 36 वाला बॉक्स क्या कर दिया रिमूव,
12 फोर जा 48 वाला बॉक्स 2 12 एट जा 12 फाइव जा कितना होते हैं 60 वाला ले 12 सिक्स जा 72 तो हमने ये भी रिमूव कर दिया 12 सेवन जा 84 हमने 84 एंड 12 एट जा 96 ठीक है ये शीट नंबर है हमारी थर्ड ठीक है अब हमने क्या किया थर्ड शीट फर्स्ट शीट पे हमने क्या किया थ्री के मल्टीपल्स को क्या किया कटआउट कर लिया उन उस बॉक्स को हमने कटआउट किया फिर हमने सेकंड क्या लिया एट शीट के एट लिया एट के फैक्टर्स को कटआउट किया 100 तक फिर हमने थ्री शीट जो हमारी थर्ड शीट थी उसको तीनों क्या है वाइट कलर की शीट्स हैं तीनों शीट पे अब थर्ड पे हमने क्या किया 12 के फैक्टर किया उनको कटआउट किया अब देखो अब हमारी क्या थी एक हमने क्या ली थी क्लर्ड शीट ली थी ठीक है ना एक शीट हमने क्या ली थी अपनी क्लर्ड शीट ली थी अब हम तीनों शीट को क्या करेंगे देखो सबसे पहले आप क्या करोगे जो हमारी क्लर्ड शीट थी उसको हम क्या लेंगे हमने क्या लिया ऐसे क्लर्ड शीट ली अपनी यहाँ पे क्या है 1 to 100 तक ऐसे बॉक्स बने हुए एक हमने क्लर्ड शीट ली उसके बाद हम अपनी फर्स्ट शीट लगाएंगे ऐसे उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे फर्स्ट शीट कौन सी है जिसपे 3 का मल्टीपल है ठीक है फिर हम क्या करेंगे उस पर देखो हमने ये क्लर्ड शीट लगाई क्लर्ड शीट पे हमने 3 के मल्टीपल्स वाली हमने क्या ली शीट लगाई है उसके बाद हमने क्या किया है फिर उस पर हम कौन सी शीट लगाएंगे 8 वाली शीट लगाएंगे ठीक है ना जो 8 मल्टीपल की थी एंड उसके बाद हम कौन सी शीट लगाएंगे जो हमारी कौन सी बच गई लास्ट वाली 12 वाली हमने ऐसे क्या किया उसको शीट लगाई अब देखो जो हमने बॉक्स किए थे अब हमने क्या किए थे बॉक्स बनाए थे अब बॉक्स बनाने के बाद देखो यहाँ पे कितना आता है 34 देखो अब जब हम सारी की सारी शीट्स क्या कर देंगे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे सबसे पहले 3 जो हमने क्लर्ड ली थी फिर उसके ऊपर हम 3 वाली लगाएंगे 3 के मल्टीपल यानी फर्स्ट शीट लगाएंगे फिर हम सेकंड शीट 8 के मल्टीपल वाली एंड थर्ड शीट जो हमारी लास्ट बच गई वो कौन सी 2 के मल्टीपल्स वाली ठीक है अब देखो हमारा जो होता है आपको क्या मिलेगा ऐसे बॉक्स क्या मिलेंगे खाली मिलेंगे 24 48 एंड हमारा कौन से आप देखो 96 एंड 74 तो बाकी सब आपको वाइट नजर आएगा केवल कौन सा बॉक्स आपको ये बॉक्स क्या होंगे ग्रीन कलर के नजर आएंगे ठीक है ना ये एंड ठीक है ना ये बॉक्स आपको क्या कहेंगे ग्रीन कलर के नजर आएंगे अब देखो ग्रीन कलर की नजर आ रही है इसमें क्या लिखा हुआ है 24 ठीक है ये कौन सा बॉक्स है 24 आपने क्या किया ग्रीन कलर की शीट ली है लास्ट वाली तो ये 24 ग्रीन कलर की शीट वाला नजर आएगा फिर आपको ये कितना नजर आएगा 48 एंड आपको ये कितना नजर आएगा 72 एंड ये कितना आएगा आपको 96 ठीक है अब हमें क्या बताना है एलसीएम देखो हमें क्या बताना है एलसीएम ठीक है अब आपको एलसीएम बताना है हमें फैक्टर लिखे देखो हमारा कितना आया 24 फिर आता है हमारा 48 72 एंड 96 ठीक है एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर जो एलसीएम होता है वो क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है ना लीस्ट मतलब सबसे छोटा अब देखो 24 48 72 एंड 96 इसमें सबसे लीस्ट कौन सा नंबर है 24 कौन सा नंबर है 24 तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 8 एंड 12 का एलसीएम क्या हो जाता है हमारा 24 ठीक है इस तरीके से क्या करने हैं आपको ये एक्टिविटी करनी है ठीक है अब ये तो किसका हो गया आपका एलसीएम का एंड एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है अब एचसीएफ में आप क्या करोगे जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा मतलब हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ तो आपको ऐसी दो एक्टिविटी करनी है फर्स्ट पे क्या करोगे आपको एलसीएम निकालना है एंड सेकंड पे आप क्या करोगे एचसीएफ निकालना है ठीक है ना मैं एक बार और बता देती हूँ देखो हमें क्या करना है चार शीट लेनी है ठीक है ना हमें 3 को क्या लेनी है वाइट लेनी है A4 शीट एक क्या लेनी है हमें क्लर्ड लेनी है आपकी चॉइस है कोई सी भी क्लर्ड की ले सकते हो ठीक है फर्स्ट शीट पे आप क्या करोगे फर्स्ट शीट पे आप
अब फोर की फोर शीट पे क्या करोगे, 1 to 100 तक बॉक्स बना के काउंटिंग लिखोगे, जैसे मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना। बॉक्स फोर के फोर शीट पे इक्वल इक्वल बनाने हैं। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट शीट पे 3 के मल्टीपल लेंगे 100 तक, ठीक है। मल्टीपल्स आपको बताई दिए कि कैसे कैसे लेने हैं। मल्टीपल्स लेने के बाद में क्या करना है, हमें क्या करना है, जो मल्टीपल्स हैं उन बॉक्स को क्या करना है, कट करना है कटर की हेल्प से, ठीक है। हम अगर वो कट आपसे नहीं होते तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। वो कटिंग करने के बाद पूरे बॉक्स की कटिंग करनी है। फिर हम दूसरी शीट लेंगे, दूसरी शीट पे क्या है, 8 के फैक्टर। 8 के फैक्टर के बाद में हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स लेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट पे किसका लेना है हमें 8, ठीक है। देखो फर्स्ट हमें किसका लेना है, 3 का, 3, 8 and 12, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 3, 8 and 12, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करोगे, 12 के भी कट करोगे। फिर हम उन्हें क्या करेंगे, एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। ग्लट वाली शीट सबसे नीचे, उसके ऊपर हम कौन सी लगाएंगे, फर्स्ट जो हमारी थर्ड का मल्टीपल है, फिर हम 8 मल्टीपल वाली लगाएंगे, फिर हम 12 मल्टीपल वाली, और हमें इस तरीके से क्या आएगा, नजर आएगा। और हमारा एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स यहाँ से हमारा क्या गया, 24। उनको क्या कर दोगे, लास्ट में आप पिन अप कर दोगे स्टार्टर की हेल्प से, तो वो क्या हो जाएगा, अलग से ही क्या दिखता है हमें, फिर हमारा कि वो हमारा क्या है, एलसीएम हमारा आ गया। तो ये आपकी क्या थी, आज की एक्टिविटी है, ये सब स्टूडेंट्स को करनी है। अगर किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो वो मेरे से पूछ ले। थैंक यू एंड बाय।